And you can also see the screen now. Yes, sir, visible now. Yes, sir. Okay, Chelly, sir, let's start before the system gives the problem again. So anchor work. Question aata hai isme, purpose of the anchors. Purpose of the anchors is to hold the ship in sheltered and semi-sheltered waters up to and including wind force 8. Ye purpose hai. Yeah, if a ship is drifting ashore, then you can use it to prevent the vessel from drifting onto a shoal or onto a reef running aground. The purpose of anchors is not to stop a running ship. Ek jahaz jo ja raha hai 7 8 9 10 knots se usko stop karne ka purpose nahi hai. Theek hai, so ye hai hamara. By the time we finish, you will be able to understand all this. Kitna cable pay out karna hai, anchor position kaise select karte hain, methods of anchoring, कैसे पता चलेगा योर वेसल इज ब्रॉट अप और ड्रैगिंग एंकर, एक्शन टू टेक इन केस ऑफ ड्रैगिंग एंकर, एक्शन टू टेक इन केस ऑफ अनदर वेसल इज ड्रैगिंग एंकर, कीपिंग एन एंकर वॉच, और एक मूवी है वो दिखा देंगे आपको. ओके, सो ये पर्पस है आपका, टू होल्ड द शिप इन गुड होल्डिंग ग्राउंड्स इन शेल्टर्ड सेमी शेल्टर्ड वाटर्स अप टू एंड इंक्लूडिंग विंड फोर्स 8. उससे ज़्यादा मौसम खराब होता है तो यू आर नॉट सपोज टू एंकर, और स्टॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं यू प्रोसीड टू सी. अब दो टाइप के एंकर होते हैं, एक ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड स्टॉकलेस एंकर होता है, और आजकल जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज योर एसी एडमिरल्टी कास्ट आयरन AC-14 विच इज कॉल्ड द हाई होल्डिंग पावर एंकर AC-14. सो एक ये यूज करते थे पहले, नाउ डेज AC-14 विच इज अ हाई होल्डिंग पावर एंकर. एफिशिएंसी होल्डिंग पावर अपॉन एंकर का डेड वेट यह है, बट वी विल कम क्लोजर टू दैट लेटर ऑन. अब चूजिंग एन एंकर पोजिशन, एक क्वेश्चन ये आता है, वॉट आर द फैक्टर्स दैट यू विल कीप, दैट द मास्टर विल कीप इन माइंड व्हेन चूजिंग एन एंकरिंग पोजिशन, कहाँ पर एंकर करना है. ठीक है, सबसे पहले तो यह है कि पोर्ट लिमिट के अंदर होते हैं. आजकल आप लोगों ने देखा होगा ऑन चार्ट्स, किसी भी पोर्ट पर जाओ तो वहाँ एंकर मार्क्ड होती हैं, A1 B1, टैंकर के लिए अलग, पैसेंजर शिप्स के लिए अलग, बल्क कार्गोस के लिए अलग, यू नो द एंकरेजेस आर ऑलरेडी मार्क्ड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. स्विस कनाल कभी गए होंगे तो वहाँ भी देखा होगा आपने, लिखा रहता है ऑलरेडी, तो वहाँ जाके एंकर कर दिया. अदरवाइज अगर मास्टर को सेलेक्ट करना है सो इट शुड बी विद इन पोर्ट लिमिट्स. एक दूसरा, डेप्थ देखनी है आपने, डेप्थ शुड बी सफिशिएंट इन रिलेशन टू योर ड्राफ्ट. तीसरा, एरिया शुड बी क्लियर, कोई अंडर वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई केबल्स गैस पाइपलाइंस कुछ नहीं होनी चाहिए अंडर वाटर ऑब्स्ट्रक्शंस. सी बेड किस टाइप का है, मतलब सैंड है, क्ले है, मड है, शिंगल्स है, सैंड ऊपर है, क्ले ऊपर है, ऑल दैट. विंड वेदर कंडीशंस कैसी है वहाँ पे एंड कैसी एक्सपेक्टेड है आगे फ्यूचर में, क्या फोरकास्ट है वहाँ पे वेदर की, कोई डेंजर्स तो नहीं है आसपास, कोई शोर्स, कोई डेंजर्स रेक्स, सफिशिएंट सी रूम है फॉर यू टू टर्न अराउंड इफ नेसेसरी. एंड ये सब करने के बाद, इज देयर अ सेफ रूट टू दिस एंकरेज, जो पोजीशन आपने सेलेक्ट किया है वहाँ के लिए सेफ रूट क्या होगा. सो दिस इज, दीज आर द फैक्टर्स विच द कैप्टन विल कीप इन माइंड व्हेन सेलेक्टिंग एन एंकरेज, कहाँ पे एंकर करना. तो ये आंसर है सर उसका. ठीक है ना, जनरली हम लोग अंडर कील क्लियरेंस कम से कम 25% ऑफ योर मैक्सिमम लोडेड ड्राफ्ट ये होनी चाहिए अंडर कील क्लियरेंस. आइडियल डेप्थ जो होती है वो होती है 50 मीटर. ठीक है, आइडियल डेप्थ. सो 50 मीटर की डेप्थ है तो बहुत अच्छा है, और कम से कम अदरवाइज 25% अंडर की, जो आपका मैक्सिमम लोडेड ड्राफ्ट है उसका 25%. कौन सा एंकर यूज करना है पोर्ट स्टार्बर्ड, ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है. एक रूल है जो कहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पोर्ट एंकर यूज करना चाहिए, सदर्न हेमिस्फीयर में स्टार्बर्ड एंकर. उसका कारण कुछ और है,
कि वो अगर कोई टाइफून या कई साइक्लोन्स या कोई लो प्रेशर सिस्टम पास हो रहे हैं तो रोटेशन ऑफ द विंड्स एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, उसको ध्यान में रखते हुए टू प्रिवेंट एंकर फाउलिंग उसके लिए कहते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोर्ट यूज करो, सदर्न हेमिस्फीयर में स्टारबोर्ड। बट अदरवाइज उसके अलावा कोई ऐसा रूल नहीं है, आपको दोनों एंकर यूज करने चाहिए ऑल्टरनेटली। एक पोर्ट में अगर पोर्ट एंकर डाला तो दूसरे में स्टारबोर्ड एंकर डाल दिया, ताकि दोनों यूज में रहे। ऐसा ना हो कि कभी हमको एक एंकर की जरूरत है और वो पता चला इट इज जैम्ड इन द हाउस पाइप। तो बोथ एंकर शुड बी यूज्ड ऑल्टरनेटली। शिप स्पीड ओवर द ग्राउंड व्हेन द एंकर इज लेट गो और व्हाइल्स द केबल इज बीइंग पेड आउट कितनी होनी चाहिए। जब हम पे आउट कर रहे हैं केबल को या जब एंकर को, यूजली कहते हैं जब आप एंकर ड्रॉप कर रहे हैं तो स्पीड शुड बी जीरो, स्टॉप्ड ओवर द ग्राउंड, खासकर VLCCs, VLOCs के लिए। ठीक है, वो मैं सेपरेटली लूँगा आपके साथ। बट अदरवाइज फॉर मीडियम साइज, स्मॉल मीडियम साइज वेसल, स्पीड आपकी 2-3 नॉट की है अहेड, यू कैन लेट गो द एंकर। ठीक है, जो आपके कंटेनर शिप्स हैं उनमें इंजन पावर बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी आप हाफ अ नॉट, 1 नॉट की स्पीड में यू कैन लेट गो द एंकर। बट लार्ज वेसल्स के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सो मिनिमम हो व्हेन यू आर ड्रॉपिंग एंकर, एंड स्टर्न जब जाते हैं तो इट शुड बी से हाफ अ नॉट की स्पीड अस्टर्न इज गुड इनफ। ठीक है, मैं आपकी स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड कॉज की गोइंग अस्टर्न व्हेन यू आर लेटिंग गो या व्हेन यू आर पेइंग आउट द केबल, स्पीड की बात कर रहे हैं, इंजन मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सो अगर सामने से विंड आ रही है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और या करेंट्स हैं सामने से, सो हो सकता है आपको एंकर वो इंजन मूवमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, जहाज स्टॉप्ड है अपने आप पीछे जा रहा है। हो सकता है पीछे से करंट आ रहे हो, नॉर्मली होता नहीं है, करंट को हमेशा हम लोग हेड में रखते हैं एंकरिंग के टाइम पर, कभी भी सामने पीछे से नहीं आते हैं। बट अगर आप पीछे से भी करंट रख रहे हो किसी वजह से, ये करंट पीछे से आ रहा है, लेट गो कर रहे हो एंकर, तो देन अगेन जब स्टर्न मूवमेंट देते हैं तो हो सकता है डेड स्लो स्टर्न काम नहीं करेगा। बट कभी भी करंट स्टर्न से लेके हम लोग एंकर नहीं करते हैं या बर्दिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता जहाज में। सो ऑलवेज हेड इनटू द करंट, इनटू द विंड, जहाज को घुमा दो, अपना कोर्स बदल दो। ओके, सो स्पीड का ध्यान रखना, हाफ अ नॉट इज गुड इनफ। पर्टिकुलर कॉशंस, सो स्मॉलर वेसल्स के लिए 2 नॉट की स्पीड गुड है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। कंटेनर शिप्स में भी बड़े अच्छे से जहाज रुक जाता है, बट VLCCs में आप थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो VLCCs हो, कि इवन एट अ स्पीड ऑफ हाफ अ नॉट, 0.2, 0.3, हाफ अ नॉट, इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है, इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका जो मास मोमेंट होता है ना जो, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दे हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज़ बेटर दैट VLCCs को जब हम या VLOCs को हम जब एंकर कर रहे हैं तो स्पीड शुड बी ज़ीरो, एब्सोल्युटली स्टॉप्ड ओवर द ग्राउंड, कोई यॉइंग नहीं होनी चाहिए, कोई लैटरल मूवमेंट नहीं हो रहा, लैटरल मीन साइडवेज मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। हेंस लार्ज वेसल्स मस्ट बी नियरली स्टॉप्ड, नॉट ओनली इन द लीनियर, लीनियर मीन्स फोर एंड आउट डायरेक्शन, बट एक्सियल मीन्स अथॉर्ड शिप, यॉइंग नहीं होनी चाहिए लार्ज वेसल्स के लिए। एंड लाइक आई सेड अर्लियर कि आइडियल जो डेप्थ रहती है 50 meters वो रहती है, लेकिन 110 meters तक आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो विंडलेस है वो इतना ही हीव अप कर सकता है, द वेट ऑफ द एंकर प्लस 4 shackles हैंगिंग इन द वॉटर। इन अदर वर्ड्स, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक डायग्राम वो दिस थिंग, कि लेट्स से ये आपकी सी बेड है और ये वाटर लाइन है, आपका जहाज ऐसे है, यहाँ से आपने एंकर पे आउट कर रखा है और ये आपका एंकर है,
और यहां से लेके यहां तक ये फोर शैकल्स प्लस एंकर का वेट आपका विंडलेस बस इतना ही कर सकता है। अब आपकी अगर सी बेड ज्यादा है और आपने ये 100, ये तो मैंने कहा कि 110 मीटर है, लेकिन अगर आपने ऐसा कर रखा है 130 मीटर है तो एंकर आपका इधर में आ गया, मतलब पांच शैकल हो गए। एंकर ये हीव अप नहीं, आपका जो विंडलेस है इतना हीव अप नहीं कर पाएगा, उसके पास इतनी पावर नहीं है हीव अप करने की, क्योंकि इतना वजन एक्स्ट्रा आ जाता है ना चेन का और एंकर का, इतना यहाँ पे इतना वन शैकल एक्स्ट्रा हो गया। सो योर विंडलेस विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट दिस मच, उतनी पावर है नहीं। विंडलेस कैन लिफ्ट मैक्सिमम फोर शैकल्स प्लस द वेट ऑफ द एंकर। ओके, सो 110 मीटर्स की डेप्थ कहते हैं, बट 110 मीटर्स की डेप्थ का मतलब हो गया कि जब जहाज नया है, जैसे जैसे पुराना हो जाता है ना जहाज, तो उसकी विंडलेस की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ओके, अब लेट गो करना चाहिए, वॉक बैक करना चाहिए एंकर को, वो भी डिपेंड करता है एक तो मास्टर के एक्सपीरियंस पर, नॉलेज पर, एक आपकी कंपनी पॉलिसी। आपकी कंपनी पॉलिसी में ज्यादातर लिखा रहता है कि वॉक बैक करो, वो इसलिए लिखा रहता है वॉक बैक करो क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स को प्रोसीजर मालूम होता नहीं है और सही परिस्थिति मालूम नहीं होता, वो लोग एंकर को लेट गो करते हैं एंड पता चला कि पूरा का पूरा एंकर चला गया। सो लैक ऑफ नॉलेज, एक्सीडेंट हो गया। बट आइडियल है कि आप एंकर को लेट गो करो अप टू 25 मीटर्स, 25 मीटर्स की डेप्थ है, तो हम क्या करते हैं एंकर को वॉक बैक करते हैं अब अप द सी लेवल, फिर ब्रेक्स को टाइट कर दिया, गियर डिसएंगेज कर दिया एंड व्हेन रेडी हमने लेट गो कर दिया। जब पोजीशन में आ गए कैप्टन ने ऑर्डर दिया तो वी लेट गो। दिस इज इन केस डेप्थ अप टू 25 मीटर्स। एंकर को अकॉकबिल, अकॉकबिल मीन्स सी के ऊपर लाके रख दिया। 50 मीटर्स की डेप्थ है तो हम लोग टू थर्ड्स, जो भी आपकी डेप्थ है उसका टू थर्ड्स हम वॉक बैक करते हैं। वॉक बैक का मतलब अंडर पावर टू थर्ड्स। सो 50 मीटर्स की अगर डेप्थ है समझो, तो 50 मीटर्स की डेप्थ में एक मिनट होल्ड करिए। अरे यार पेन, सो इस डेप्थ में हम क्या कहते हैं टू थर्ड्स जो है हमने वॉक बैक किया, मतलब समझो 34-35 मीटर्स हमने वॉक बैक कर दिया। ठीक है, गियर में डाला चेन विंडस को, गियर में डाला एंड वॉक बैक किया अंडर पावर। अब 15 मीटर्स अबव द सी बेड हमने ब्रेक्स टाइट कर दिए, गियर को डिसएंगेज कर दिया और जब कैप्टन का वहां से ऑर्डर आएगा वी लेट गो। सो अप टू 25 मीटर्स इट इज बेटर टू लेट गो। 25 मीटर 50 मीटर की डेप्थ है तो टू थर्ड्स जो डेप्थ है उतना आप वॉक बैक करो, फिर ब्रेक्स को टाइट कर दो, गियर डिसएंगेज, कीप इट रेडी फॉर लेटिंग गो, जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा लेट गो। 100 मीटर्स की डेप्थ है, 50 मीटर से ऊपर की डेप्थ है तो लेट गो करना ही नहीं चाहिए, पूरा का पूरा जो भी आपने डिसाइड कर रखा है वॉक बैक कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9 जो भी कैप्टन ने डिसाइड कर रखा है द एंटायर लेंथ हैज टू बी वॉक बैक। वॉक बैक का मतलब समझ गए सर अभी? यस सर। गियर में डाल के सर, गियर में डाल के उसको लोअर करना है। करेक्ट, सो वो कर दिया और जैसे 110 मीटर्स है उससे ज्यादा आपने करना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपका विंडलेस यहाँ पर 3 शैकल्स लिखा है बट एक्चुअली इट इज 4 शैकल्स प्लस द वेट ऑफ द एंकर।
जब अप एंड डाउन होता है, उससे ज्यादा हीट नहीं कर सकता है, ठीक है। फोर शैकल्स प्लस द वेट ऑफ द एंकर, ये तो नए जहाज के लिए। तो 100 मीटर से ज्यादा की डेप्थ है, बेटर पोर्ट से परमिशन लीजिए और बोलिए जी डेप्थ यहाँ बहुत ज्यादा है, आई कैन नॉट एंकर, और ड्रिफ्ट हो जाइए, बट पोर्ट से परमिशन लीजिए और लॉक उस पर एंट्री कर दीजिए VHF लॉग एंड मूवमेंट बुक में, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल डिसाइड। नाउ जब हम वॉक बैक करते हैं, दैट इज लेट्स से 50 मीटर की डेप्थ है, 2/3 35 मीटर हम वॉक बैक कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाज की स्पीड क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वॉक बैक कर रहा हूं और जहाज की स्पीड 4 नॉट 5 नॉट है, केबल पीछे को, एंकर और केबल पीछे को लीड कर रहा है, बहुत स्ट्रेन आता है केबल में व्हेन यू आर वॉकिंग बैक। समझो आपने 15-20 मीटर वॉक बैक कर दिया पानी में, योर केबल एंड द एंकर इज लीडिंग अस्टर्न। व्हाई इट इज लीडिंग अस्टर्न? बिकॉज यू हैव गॉट अ स्पीड ऑफ 4 नॉट्स 5 नॉट्स। सो बहुत स्ट्रेन आ सकता है, यू माइट लूज योर एंकर। सो यू हैव टू वॉक बैक इन सच अ वे कि केबल आपका सीधा ही नीचे जाए, ये थोड़ा सा पीछे को जा रहा चलता है, बट ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहा है, टू मच स्ट्रेन कम्स ऑन द केबल और टूट सकता है वो। सो एक शैकल को हीव करने के लिए 3 मिनट लगते हैं, एक शैकल हो गया 27.5 मीटर्स, उसको हीव करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट लगते हैं। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप नॉट्स में, 27.5 मीटर्स 3 मिनट में चल रहा है, इतना मीटर कितने में चलेगा उसको नॉट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, इट कम्स टू अबाउट 0.2-0.3 नॉट्स। सो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, जहाज की स्पीड व्हेन यू आर वॉकिंग बैक। चलो 1 नॉट भी कर लिया, थोड़ा सा पीछे को करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम पीछे को जा रहा, यू विल लूज द एंकर। ओके, सो केबल कंसिडरेशन, अब कितना केबल पे आउट करना है एंकरिंग के टाइम पे, उसके लिए भी बड़े सारे फैक्टर्स है, कितनी डेप्थ है, होल्डिंग ग्राउंड कैसा है, ठीक है, स्विंगिंग एरिया कितना मिल रहा है आपको, कितने दिन वहां एंकरेज कर रहे हैं आप, शॉर्ट पीरियड के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए है, ये सारे फैक्टर्स है। बट यू हैव टू वे व्हाट यू कॉल वेयर सफिशिएंट केबल। एक रफ फॉर्मूला भी है, रफ थंब रूल भी है कितना पे आउट करना चाहिए, बट इट हैज टू बी सफिशिएंट। नाउ योर एंकर जो है, इट एक्सर्ट्स द मैक्सिमम तब होता है व्हेन द एंकर चेन इज एक्सर्टिंग अ हॉरिजॉन्टल पुल ऑन योर दिस थिंग। सो ये आपका जहाज है, ये आपका सी बेड है और आपकी एंकर चेन ऐसे आ रही है और ये आपका यहाँ पे एंकर है। सो आपकी चेन ऐसे आ रही है तो ये हॉरिजॉन्टल पुल हो रहा है। योर एंकर चेन इज एक्सर्टिंग अ हॉरिजॉन्टल पुल ऑन योर इसमें एंकर में, ये आपका एंकर है उसमें हॉरिजॉन्टल पुल आ रहा है। सो मैक्सिमम आपको तब मिलती है होल्डिंग पावर जब ऐसा होता है। जैसे ही ये एंकर बिटवीन दिस थिंग, बिटवीन द चेन एंड द एंकर शैंक या सी बेड, ये एंगल 5 डिग्री का हो गया तो आपकी होल्डिंग पावर 80% हो गई, मतलब चेन टाइट हो गई। ओह शिट यार, हाँ सॉरी 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 यार, ये मेरा आपको दिखाई दे रहा स्क्रीन, अभी नहीं दिखाई दे रहा? हाँ सर विजिबल है यार, ये मेरा ना प्रॉब्लम करता है। बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है इसको। सो नाउ यहाँ पे अगर एंगल अगर 5 डिग्री का हो गया तो ये 80% होल्डिंग पावर हो गई आपके। अब अगर यही एंगल
आप अगर 10 डिग्री का हो जाता, लेट्स से ये 5 डिग्री का, यही एंगल 10 डिग्री का हो गया, तो आपकी होल्डिंग पावर 60% हो गई। ठीक है, मैं जरा ग्रीन से दिखा देता हूँ आपको और हाइलाइटर से दिखा देता हूँ। चलो ब्लू है, पहले ये 10 डिग्री का 5 डिग्री का एंगल था, ये ग्रीन वाली लाइन 5 डिग्री का एंगल बना रही थी, तो होल्डिंग पावर 80% हो गया। अब ब्लू वाले से दिखा रहा हूँ, एंगल 10 डिग्रीज का हो गया, तो होल्डिंग पावर आपकी 60% हो गई। ये एंगल 15 डिग्रीज का हो जाएगा, तो होल्डिंग पावर 40% हो जाती है। तो जैसे जैसे एंगल और शैंक, चेन और शैंक के बीच में एंगल बढ़ता रहता है, होल्डिंग पावर कम होती रहती है। सो मैक्सिमम कब होती है? व्हेन द एंकर चेन इज एग्जर्टिंग अ हॉरिजॉन्टल पुल, मतलब एंकर चेन और शैंक के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, और जैसे जैसे वो एंगल बढ़ेगा, लाइन टाइट हो, चेन टाइट हो जाएगी, आपकी होल्डिंग पावर कम होती रहती है, और एक पॉइंट आएगा जब आप एंकर ड्रैग करने लगोगे। ठीक है, नाउ सो यू हैव टू पे आउट सफिशिएंट केबल। नाउ जब वेसल एंकर ड्रैग करती है, अब समझो 15 डिग्रीज का एंगल बन गया, होल्डिंग पावर 40% है, तो एंकर ड्रैग करने लगेगा शिप। और सबसे पहले हम क्या करते हैं जब एंकर ड्रैग करता है? मास्टर को इन्फॉर्म किया, सब कुछ किया, एंकर पार्टी को आगे भेज दिया, हम लोग पे आउट करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? यस सर। अच्छा, और जब हम चेन को पे आउट करते हैं, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? हम एंगल को कम कर दे रहे हैं, एंगल कम 15 से 10 डिग्री हो गया, होल्डिंग पावर बढ़ गई, और पे आउट किया, एंगल कम हो गया, 80% होल्डिंग पावर हो गई, और कम हमने पे आउट किया, एंगल जीरो हो गया और 100% आ जाती है। सो ये सोचना कि हमने एक शैकल या दो शैकल एक्स्ट्रा पे आउट कर दिया और उस शैकल की वेट की वजह से जहाज रुक गया है, वो गलत है, वो फॉलसी है। अरे यार फिर गया साला, पॉलिसी है वो, इसलिए जाता है आपका क्योंकि आपने एंगल और जो केबल है और केबल के और शैंक के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को आपने कम कर दिया है, तो इस वजह से आपका वो होल्ड करता है, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा केबल दैट यू हैव पेड आउट। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, सॉरी, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप कौन बुला रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हुआ सर? की आवाज नहीं आ रही ना सर, गायब ही हो गई।
बग्गा कम इन बग्गा बग्गा कम इन बग्गा बग्गे बग्गा कम इन बग्गा मोदित कम इन मोदित सर मैं तो कह रहा था हैप्पी बर्थडे गा लेते इसे तो हाँ भाई ये भी सही है अबे ये गूगल पे कर रहा है नहीं कर रहा पूछ उसको हाँ जी गाइस बैक अगेन यस सर ये गप्पे शप्पे मत मारा करो आप क्योंकि सब रिकॉर्ड होता है हाँ नहीं सर वो एक का बर्थडे था तो विश कर रहे थे अच्छा चलिए ठीक है स्क्रीन आ गया आपके दिखाई दे रहा है यस सर हाँ सर विजिबल है ओके सो ये है वो जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपका एंगल बिटवीन द केबल एंड द सी बेड या एंकर शैंक 5 डिग्री हो जाता है होल्डिंग पावर 80% 60% 40% ऐसे हो जाती है ठीक है कम होती रहती है सो वी पे आउट करने से हमने एंगल बढ़ा दिया और कम कर दिया एंगल कम हो जाने से होल्डिंग पावर बढ़ जाती है ओके अब जब शिप एंकर ड्रैग कर रही होती है तो हम क्या करते हैं वी पे आउट एक्स्ट्रा केबल और वो एक्स्ट्रा केबल क्या करता है बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा केबल है वो एंगल कम कर देता है रिड्यूसेस द एंगल एंड योर वेसल होल्ड्स कितना एंकर यूज करना है केबल यूज करना है डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स होल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंकर एक किस टाइप का एंकर है AC 14 है या स्टॉकलेस है कितने दिन आप वहाँ एंकर करने वाले हो शॉर्ट टाइम के लिए अगर एंकर कर रहे हो 2-3 घंटे के लिए तो ज़्यादा पे आउट नहीं करते सी बेड कैसा है होल्डिंग ग्राउंड कैसा है विंड करंट्स कैसे हैं वेदर कैसा एक्सपेक्टेड है वहाँ पे राइट एक रफ फॉर्मूला ये है डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 90 डिवाइड बाई 27.5 मीटर्स एक शाकल होता है सो जितनी भी डेप्थ है मल्टीप्लाई दैट बाई 2 उस पर 90 मीटर्स और ऐड कर दीजिए एंड डिवाइड बाई 27.5 स्टैंडर्ड कंडीशन में और यही अगर आपका मौसम थोड़ा सा खराब हो गया तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए प्लस 140 मीटर्स ऐड कर दीजिए डिवाइड बाई 27.5 ये अगर वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं है तो सो जो भी डेप्थ ऑफ वाटर है मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 140 डिवाइड बाई 27.5 ये मतलब एस्टिमेट्स हैं जो मास्टर्स लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको एक्सपीरियंस से कहते हैं अच्छा इतनी डेप्थ है तो इतने शैकल डाल देते हैं इतनी डेप्थ है तो इतनी शैकल डाल देते हैं ये ओवर एक्सपीरियंस हो जाता है नाउ ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स कैसे अप्रोच करेंगे हम एंकर को मतलब एंकर पोजिशन को एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम एंकर पोजिशन डिसाइड हो गई हमें अप्रोच करना है वहाँ जो शिप्स हैं उनको देखते हैं हम जो शिप्स वहाँ एंकर्ड है और लाइक आई सेड ऑलवेज हेड इनटू योर बर्थ एंड बर्थिंग के टाइम में या एंकरिंग के टाइम में हेड इनटू द विंड पोर्ट बाव स्टारबोर्ड बाव में रखो ऐसे पीछे से नहीं होना चाहिए क्योंकि कंट्रोल ऑफ द वेसल इज लॉस्ट सो जो शिप्स हैं वहाँ एंकरेज पे उनको देखिए हाउ दे आर हेडिंग और अपनी अप्रोच भी वैसे रखिए एक रफ आइडिया मिल जाता है आपको ओके ऐसे जहाज को देखिए जो आपका जैसा है साइज में कंडीशन में अगर आप VLCC में हो तो VLCC को देखो आप लोडर हैं तो लोडेड वाले को देखिए कंटेनर में है तो कंटेनर को देखिए क्योंकि डिफरेंट शिप्स बिहेव डिफरेंटली और उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है ठीक है कैसे और वैसे आप अपनी अप्रोच बनाएंगे नॉर्मली हम लोग क्या चाहते हैं कि ये मेरा अगर एंकर है एक मिनट होल्ड करें ये मेरा एंकर है यहाँ पे आई वॉन्ट माई वेसल टू बी लाइक दिस
यहाँ पर मेरा एंकर है, मतलब माय चेन शुड बी स्ट्रेट, आई डू नॉट वांट माय चेन टू कम लाइक दिस टेढ़ा मेढ़ा, इससे क्या होता है मेरी जो होल्डिंग पावर है वो कम हो जाती है, आई वॉन्ट इट टू कम स्ट्रेट, और उसके लिए हेडिंग जानना जरूरी है. सो दैट इज वाई वी लुक एट शिप्स विच आर एट एंकरेज. अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी जहाज नहीं है, दिन का टाइम है या रात का टाइम है आपको पता ही नहीं चल रहा है, सो हम क्या करते हैं, वी जस्ट गो टू दैट पोजिशन जो हमने डिसाइड किया, वहाँ पर हमने समझो एंकर डाल दिया, समझो 25 मीटर्स की डेप्थ है तो 35 मीटर्स आपने पे आउट कर दिया, एंकर ड्रॉप किया और 5-10 मीटर एक्स्ट्रा पे आउट कर दो. नाउ वॉच द केबल, इफ द केबल इज लीडिंग अ बीम लाइक दिस, वी नो दैट द करंट इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन. इफ द केबल स्टार्ट्स लीडिंग अ स्टर्न, वी नो दैट द करंट इज फ्रॉम अ स्टर्न. If the cable starts leading ahead, we know that the current is from ahead. If the cable starts leading across the bow, we know that the current is from here. ठीक है, so एक idea मिल जाता है. और एक बार हमको idea मिल गया कि हमारा जहाज किधर में है, let's say ये green वाला है कि my starboard anchor मैंने drop कर रखा है and my cable is leading across the bow. So then the chief officer can inform the master that the cable is leading across the bow, 9 o'clock. Captain will then maneuver the vessel. ठीक है, heading कर देगा towards the anchor chain and then you can pay out. उससे क्या होगा, now you have decided कि कहाँ तुम्हारा anchor है and you can easily pay out like this and this is your ship. और यही हमको चाहिए. Straight, my cable should be flaked on the seabed, straight, seedha, teda meda nahi. Haan, agar aap sirf anchor dal doge, aray yaar, apne aap jahan bhi tide ja rahi hai, apne aap le jayega, to aapko wo teda meda milega. Usse aapki holding power mein gadbad ho jayegi. Okay. Speed, humne jaise bataya thi already, jitna bada jahaj hai, limiting speed bhi utni kam honi chahiye. Usually 2-3 knots for an average size vessel, small vessel, medium vessel. Otherwise for VLCCs, possibly stopped over the ground, but definitely not more than half a knot. It will be very difficult to stop that vessel. So usually hum kya karte hain? Aapne dekha hoga captain log stern dete hain. And jab propeller ka wash midship mein aa jata hai, ya bridge ke paas aa jata hai, ya midships mein aa jata hai, we assume the vessel is stopped over the ground. And then we let go the anchor. Propeller का wash. जब तक जहाज आगे को जा रहा है propeller का wash पीछे को ही जाएगा. लेकिन जब वो bridge के पास आ जाता है तो हम कहते हैं okay, the vessel is now stopped and we let go. Set and drift हमने पहले ही देख लिया है, उसी के हिसाब से हमने जहाज को position किया है कि हमारा heading क्या होनी चाहिए. Okay, so ये हो गया आपका. ये प्रोसीजर मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको हेडिंग नहीं मालूम पड़ रही है तो हम क्या करते हैं, चीफ ऑफिसर सेटिस्फाइड, हेडिंग डिटरमिन कर लिया, रेस्ट ऑफ द केबल कैन देन बी पेड आउट. अगर हेडिंग नहीं मालूम है तो पहले थोड़ा सा हमने पे आउट किया, चीफ ऑफिसर दिखता रहेगा और ब्रिज को बताते रहेगा कि केबल इज लीडिंग हियर एंड देयर, और एक बार उसने डिसाइड कर लिया है फिर धीरे धीरे करके पूरा केबल पे आउट करते. अप्रोच यहाँ पे दिखा रखा है कि विंड पीछे से है, करंट भी पीछे से है, दिस इज योर शिप, देन यू हैव वन शिप एंकर्ड हियर, वन शिप एंकर्ड हियर एंड वन शिप एंकर्ड हियर, थ्री शिप्स, एंड यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड. ठीक है, आप ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, करंट आपके पीछे है, शिप नंबर बी के पीछे से गए और यहाँ पे आके एंकर कर दिया, मतलब शिप नंबर ए और शिप नंबर बी है. नेवर गो फ्रॉम अहेड लाइक दिस, कभी नहीं, फॉर द रीजन कि वैसे ही आपकी स्पीड कितना लेट होगा केबल,
हाँ जी कितना? रीजन यही है ना कि बी का जो है कितना केबल लेड होगा आगे तक उसका अपने को आइडिया नहीं रहेगा ना बिल्कुल। हाँ मैं अभी आता हूँ उस पर, अभी तो खाली अप्रोच देख रहे हैं कि जहाज के पीछे से आई है, क्योंकि जो रेड वाला मैंने बना रखा है वहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही आप जब एंकरेज पर आ रहे हैं आपकी स्पीड कम होती है, विंड और करंट आपके पीछे से है, जब आप टर्न करेंगे तो विंड और करंट आपके बीम में होगा, और जब स्पीड कम होती है तो विंड और करंट जो है आपको ज़्यादा ड्रिफ्ट कराते हैं, एंड यू माइट रन इनटू दिस वेसल हियर, वेसल बी, ठीक है, और योर प्रोपेलर माइट गेट फाउल्ड विद द एंकर चेन ऑफ बी, क्योंकि स्पीड कम है तो कंट्रोल ऑफ द वेसल विल बी लॉस्ट, विल नॉट बी सो मच, और करंट और विंड ने अगर टेक ओवर कर लिया तो यू विल ड्रिफ्ट ऑन टू दैट वेसल। सो आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है, वेसल बी के पीछे से आइए, हो सकता है वेसल बी के आगे से जा रहे हैं तो हो सकता है आपका इंजन बंद हो जाए, कुछ खराबी आ गई इंजन में, तो अगेन यू विल बी ड्रिफ्टिंग। सो आराम से, अब बी के पीछे से आ रहे हैं, इंजन बंद भी हो गया कोई बात नहीं, यू विल नेवर ड्रिफ्ट टूवर्ड्स बी, यू विल ऑलवेज ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम बी। सो ये तो एक पॉइंट है। दूसरा आपने क्या देखना है कि ये है वेसल ए, पोजीशन हमने पहले देख ली थी, वेसल ए का ये है, वेसल बी इधर में ऐसे है, डिस्टेंस देख लिया हमने दोनों जहाज के बीच में एल है, उसको हमने डिवाइड कर दिया टू से और अपनी पोजीशन यहाँ पे कर दी, लेकिन एंकर ड्रॉप किया थोड़ा सा आगे जाके। ये सब प्लानिंग स्टेज में होता है, there has to be sufficient distance between vessel A and B, क्योंकि you have to give yourself कम से कम 4 cable, 5 cable का तो swinging room देना ही है आपने, clear? ठीक है, तो ऐसी जगह मैं anchor करता है, पहले select कर लिया, ठीक है ये position मुझे सही लग रही है, and अपने planning पहले से कर ली, दोनों के बीच में जाके आपने drop करना anchor। So approach का क्या हो रहा है? You have the current and you have the wind from behind initially, लेकिन जब आप anchoring में आ रहे हो तो आपका आगे से है। अब आगे से क्या होता है कि जब हम anchoring करने आ रहे हैं हमारा pivot point आगे रहेगा, pivot point आगे रहेगा तो मैं dead slow ahead भी दूंगा ना, तो मैं rudder को use कर सकता हूँ, force multiplied by turning lever, a turning moment create हो गया, तो मैं रडर को यूज कर सकता हूं, मनूवर कर सकता हूं शिप को पोर्ट स्टावर्ड। लेकिन अगर मैं पीछे से कर रहा हूं, करंट पीछे से आ रहा है, मेरे को जहाज को स्टॉप करना है, स्टर्न यूज करना है, तो मेरा रडर तो बेकार हो गया। जब स्टर्न जाते हैं तो रडर का तो कोई पर्पस ही नहीं होता है, मिडशिप होगा रडर, एंड मिडशिप रडर होगा, स्पीड कम है, My bow will start turning to starboard. तो bow को कैसे control करूँगा मैं? So the control of the vessel will be lost. और ये बार बार होगा क्योंकि पीछे से करंट आ रहा है, करंट पीछे से आ रहा है तो मुझे आगे को ही पुश करेगा। अब क्या हो गया, मैंने जहाज को करंट को हेड में रख रखा है, अगर करंट मुझे पीछे को पुश कर रहा है, I can use engine, dead slow head use कर लूंगा, डेथ स्लो हेड कम पड़ गया, स्लो हेड यूज कर लिया, कम से कम कंट्रोल तो है मेरे पास, लेकिन स्टर्न यूज करेंगे, रडर इज इनइफेक्टिव, एंड बाउ विल स्टार्ट स्विंगिंग टू स्टारवर्ड, जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, मैं बाउ को रोक ही नहीं पाऊंगा, अनलेस ऑफ कोर्स आई हैव अ बाउ थ्रस्टर, तो अलग बात है, बट ऑलवेज बेटर टू कीप हेड इन टू द विंड। नेक्स्ट है आपका एंकर रिट्रीवल, मतलब एंकर को हीव कर रहे हैं, तो एज यू नो वॉश वाटर हम लोग इंजन रूम से मांगते हैं, वॉश वाटर प्लस मास्टर को इन्फॉर्म करते रहते हैं ब्रिज में कि कितने शैकल्स आ गए हैं, कैसा मूव कर रहा है, वर्टिकल है, शॉर्ट स्टे है, लॉन्ग स्टे है, बताते रहते हैं ब्रिज में, अगर बहुत टाइट हो रहा है
तो इंजन ब्रिज को बताया, ब्रिज विल स्टार्ट यूजिंग द इंजन एंड फिर इजी हो जाता है हीव करना. एंड वंस द एंकर इज ऑफ द बॉटम, ऑफ द बॉटम तब हो जाएगा जब पता चलेगा आपकी चेन टाइट हो गई है, राइट. तो एंकर इज ऑफ द बॉटम और जब आपको शैंक्स और फ्लोप्स दिख जाते हैं तो वी से एंकर इज अवे. और उसके बाद उसको वॉश करने की जरूरत है तो गुड, नहीं तो सीधा साफ है तो सीधा हाउस कर लेते हैं, हाउस पाइप के अंदर ले लेते हैं इंस्ट्रक्शन मिलने पर, एंड देन वी से एंकर इज होम, हाउस कर लिया हमने. सो दीज आर सम टर्म्स दैट इज यूज. ओके, वॉक बैक स्पीड मैंने आपको बता दिया कि हाँ 0.3 नॉट्स होती है, 3 मिनट लगता है एक शैकल को हीव करने में. तो जब आप वॉक बैक कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि जहाज की स्पीड कम होनी चाहिए. एंकर ड्रैगिंग, जब हम एंकर करने को आ रहे हैं, जब हम एंकर लेट गो करते हैं तो एंकर क्या करता है, चेन जब फाइनली हम 5 शैकल 6 शैकल जितना भी हमने डालना है डाल दिया, तो एंकर चेन विल लीड टू लॉन्ग स्टे. लॉन्ग स्टे में जाएगी और फिर वहाँ पे वैसे ही रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके शॉर्ट स्टे में आ जाता है. तो हम कहते हैं एंकर इज ब्रॉट अप. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केबल हैज बीन पेड आउट, एंकरिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, वी आर कमिंग टू एंकर, एंकर स्टेशन चल रहा है. सो जब हमने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केबल पे आउट कर दिया है, कैप्टन ने बोल दिया ओके होल्ड ऑन नाउ, तो केबल लॉन्ग स्टे हो जाएगा और लॉन्ग स्टे को जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे करके शॉर्ट स्टे में आ जाता है. इसका मतलब द केब एंकर हैज बीन ब्रॉट अप. लेकिन लॉन्ग स्टे जाता है फिर झटके से शॉर्ट स्टे में आता है, फिर लॉन्ग स्टे जाता है फिर झटके से शॉर्ट स्टे में आता है, तो हम कहते हैं द एंकर इज नॉट होल्डिंग. एंकर इज नॉट होल्डिंग, वो ड्रेज कर रहा है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एंकर नॉट होल्डिंग, मीन्स एंकर इज ड्रेजिंग. तो हाँ, एंकर को हीव करके, चेन को हीव करके कोई दूसरी जगह पर जाके एंकर करते हैं, लेकिन एंकर ड्रैगिंग अलग चीज है. एंकर ड्रैगिंग मीन्स हमने एंकर ड्रॉप कर दिया है, एंकर ब्रॉट अप हो गया, फिनिश विद स्टेशन कर दिया, सब कुछ टाइट वाइट कर दिया, वापस आ गए. अब हैवी वेदर हो गया, मौसम खराब हो गया है, करंट स्ट्रांग हो गया है, एंकर पर वजन आ रहा है, एंड नाउ वो एंगल आपका कम हो गया, बढ़ गया है बिटवीन द थिंग, तो तब हम कहते हैं कि द एंकर इज ड्रैगिंग, ठीक है, एंकर इज ड्रैगिंग. ये फर्क है बिटवीन एंकर नॉट होल्डिंग एंड एंकर ड्रैगिंग. ऑब्वियसली दोनों सेम ही चीज है, बहुत फाइन लाइन है, लेकिन नॉट होल्डिंग कहते हैं या ड्रेजिंग कहते हैं जब हम एंकरिंग को आ रहे हैं. एक बार एंकर करके फिनिश स्टेशन हो गया, ब्रॉड अप हो गया, उसके बाद मौसम की वजह से देन एंकर ड्रैगिंग. वहां पे भी होल्ड नहीं कर रहा एंकर, बट नाउ वी से इट इज ड्रैगिंग. स्कोप ये होता है लेंथ ऑफ द केबल, हाइट फ्रॉम द हॉर्स पाइप टू द सी बेड, उसका जो रेशियो है उसको स्कोप कहते हैं, आजकल यूज नहीं करते हैं. वॉक बैक का मतलब हो गया वॉकिंग बैक अंडर पावर. बाउ स्टॉपर आपको पता ही क्या होता है, डेक फिटिंग है. ब्रॉट अप मैंने आपको बता दिया, एंकर ब्रॉट अप तब बोलते हैं हम व्हेन शी इज राइडिंग टू द केबल, राइट. वंस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केबल हैज बीन पेड आउट एंड द चेन बिकम्स लॉन्ग ट्रॉट हो जाती है एंड ग्रेजुअली इट कम्स टू शॉर्ट स्टे एंड शी इज राइडिंग टू हर दिस थिंग टाइट, देन वी से दैट वेसल इज ब्रॉट अप. बिटर एंड, जो इनर एंड होता है चेन का, विच इज कनेक्टेड टू अ, पहले क्या होता था कि एक एंड जो रोप का या चेन का होता था उसको बिट्स में बांटते थे, बहुत पहले की बात है. तो एंकर को ड्रॉप कर दिया, उसका जो दूसरा एंड है रोप या वायर उसको बिट्स में बांध देते हैं, तब से उसका नाम पड़ गया बिटर एंड, बिट्स में बांधने से. लेकिन अब वो चेन लॉकर में एक पॉइंट होता है वहां पर डाल देते हैं, उसमें अटका देते हैं, दैट इज योर बिटर एंड. शॉर्ट स्टे लॉन्ग स्टे, क्लियर. एंकर फॉल एंकर, जब हीव अप कर रहे हो एंकर में अगर कुछ भी फंसा नहीं है तो हम बोलते हैं एंकर क्लियर है.
और अगर उसमें कुछ वायर वायर फंसा है तो हम कहते हैं कि फाउल है, वो निकालना पड़ता है, या कभी कभी उसमें किंक आ जाता है, चेन मुड़ी हुई आ जाती है, तो हम दोबारा ड्रॉप कर देते हैं, वो किंक निकल जाता है, चेन फंस जाती है, कभी लिंक्स अटक जाते हैं, तो वो फाउल बोलते हैं, तो उसको एक बार फिर से ड्रॉप कर दो। टू डिसाइड वेसल इज ब्रॉट अप और नॉट, मैंने बताया आपको कि वंस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केबल हैज बीन पेड आउट, पहले इट विल गो टू लॉन्ग स्टे, स्टे देयर, स्ट्रेच आउट करेगा पूरा, एंड देन ग्रेजुअली इट विल कम टू शॉर्ट स्टे और अप एंड डाउन। वी से द एंकरेज वेसल इज ब्रॉट अप। हाउ विल यू चेक द वेसल इज ड्रैगिंग एंकर? आपकी डिस्टेंसेज आगे वो बढ़ते रहेंगे, डिस्टेंसेस पीछे कम होते रहेंगे, बीम बियरिंग्स कम बदलते रहेंगी, GPS पे आपको स्पीड ओवर द ग्राउंड मिलेगी, देन यू विल बी आउटसाइड द स्विंगिंग सर्कल, देन अगर डीप सी लेट डालोगे तो डीप सी लेट में आपको देखेंगे आप कि वो आगे की तरह लीड कर रहा है, एंकर की चेन को देखेंगे तो लॉन्ग स्टे शॉर्ट स्टे लॉन्ग स्टे शॉर्ट स्टे करते रहेगा, आवाज़ आएगी एंकर की, क्रैंकलिंग नॉइज आती है चेन की, ऑल दैट इज इंडिकेटर that your vessel is dragging anchor. क्या action लोगे? Inform master, inform engine room, inform anchor party, inform VTS, inform ships in the vicinity. And then, when your engines are ready, तो पहले तो pay out करते हैं ज़्यादा, हो सकता है anchor hold कर लेगा, नहीं करता है, keep your engines ready, pick up the anchor and re-anchor. Another vessel dragging anchor towards you. So inform master, inform engine room, inform anchor party, inform VTS, and inform. Try to attract the attention. जो दूसरा जहाज है जो drag anchor कर रहा है उसको contact करो. हो सकता है उसको पता ही नहीं है. Try to attract the attention of the vessel which is dragging anchor. उसको बताओ कि तुम anchor drag कर रहे हो. And try to move out. Maneuver your vessel. आउट ऑफ द पाथ ऑफ दैट वेसल। सो समझो आपका ये जहाज है उसका और आप यहाँ कहीं पे हो, ये आपके एंकर चेन आ रही है, तो वो ऐसे मूव ड्रैग कर रहा है, ही माइट कोलाइड विथ यू। सो अपने एंकर चेन को हीव करना शुरू करो, या इंजन है तो इंजन यूज करके आगे आ जाओ ताकि वो निकल जाए ऐसे। सो वो जो शिप है जो ड्रैग कर रहा है उसके पाथ से हट जाओ। ज़रूरी पड़ता है अगर वो आपके आगे से क्रॉस कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे है, अगर आपके आगे से निकल रहा है वो, तो कट योर केबल, अपने इंजन का वो जो केबल है बिटर एंड से रिलीज कर दो। अगर नहीं बच पा रहे हो आप तो बिटर एंड को रिलीज कर दो, कम से कम कोलिजन बच जाएगा, एंकर को बाद में हम लोग उठा सकते हैं, रिट्रीव किया जा सकता है, कौन खर्चा देगा उसका वो बात की बात है, बट एटलीस्ट यू विल बी preventing an accident. So try to move out of the way of that vessel. जो भी हो आपको accident collision होने से बचाना है. So cut your cable, spile pin है उसको काट दो, या जो आपका bitter end है वहाँ से release कर दो, use your engines, rudder, bow thrust, जो भी है use करो, but avoid a collision. Okay, you're keeping an anchor watch. शायद मैंने कर लिया होगा आपके साथ, हाउ टू कीप एन एंकर वॉच, किया नहीं किया? नो सर, नहीं किया था। वॉच कीपिंग में तो जब वॉच कैसे रखेंगे, ब्रिज में जाओगे, टाइम भी जाओगे, पोजीशन चेक करोगे, डे टाइम नाइट टाइम के फ्लैग्स हैं या नहीं है, एंकर में बॉल या लाइट डिस्प्ले कर रखी है नहीं कर रखी है, ISPS वॉच मेंटेन करोगे, फिर विजिटर कोई आ रहा है कौन जा रहा है, गैंगवे ऊपर होना चाहिए, काम क्या चल रहा है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कीप अ लिस्टिंग वॉच ऑन VHF, कौन शिप्स आ रहे हैं कौन शिप जा रहे हैं, पोजीशन वेरीफाई करोगे, अंडर कील क्लियरेंस, टाइड टाइमिंग्स, क्योंकि जहाज आपका स्विंग करेगा टाइडल टाइमिंग्स चेक करोगे, जो भी आपको रात का टाइम है तो डेक लाइट्स ऑन करोगे, एंकर लाइट्स ऑन करोगे। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ द एक्शन दैट यू विल टेक। सेफ्टी नेट है, ISPS वॉच मेंटेन करनी है, so these are the actions that you will take, your duties on port. Rounds loge,
आपका एंकर हाउस पाइप को चेक करोगे, एंकर को चेक करोगे, एंकर हाउस पाइप कवर्ड होना चाहिए आईएसपीएस के लिए, उसका जो स्पलिंग पाइप है उसका कवर लगाना है आपको। एक्शन सिर्फ ड्रैगिंग एंकर मैंने कर लिया आपके साथ, एक्शन अनदर वेसल ड्रैगिंग एंकर ये भी मैंने कर लिया, और यूट्यूब में आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा।